सर एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। जी हाँ गाइस, खुशखबरी ये है कि फॉर्म भरने की जो भी आखिरी तिथि थी, यानी कि स्कॉलरशिप, जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए एक ऑफिशियल अपडेट है। डेट जो है वो 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया। और ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति कब तक आएगी और आपका स्टेटस कब से शो होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, इसके अलावा स्टेज 1 की बची हुई छात्रों की छात्रवृत्ति कब आएगी, स्टेज 2 के बचे हुए क्या टोटल छात्रों की छात्रवृत्ति कब आएगी, इन तमाम सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप या नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो बिना देरी किए हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि यार यूपी स्कॉलरशिप के फील्ड में आपको सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार जो भी नोटिस है और जो भी ऑफिशियल अपडेट है, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे अभी अपलोड हुआ है, लेकिन डाउनलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और जैसे ही डाउनलोड होगा हम कल सुबह वाले वीडियो में आपको ज़रूर से दिखा देंगे, या फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, या फिर अभी आपको मैं बता दूँ कि आप को एक चीज़ आप क्लियर जान लो कि 10 जनवरी तक के लिए डेट जो है वो बढ़ा दिया गया। तो बड़ी गुड न्यूज़ है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आपका स्टेटस, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2 के छात्रों का स्टेटस कब से शो होगा। गाइस एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है, 10 दिसंबर तक, यानी कि 10 दिसंबर तक आपकी जो भी स्टेटस है वो ज़रूर से शो आउट होना शुरू हो जाएगा। और बचे हुए छात्रों की देखो परसों तक स्टेज 1 की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, इसके बाद 20 दिसंबर को अगला डिजिटल सिग्नेचर होगा सीएम के द्वारा, फिर 28 दिसंबर को, समझ रहे हो, दिसंबर में 2 बार और सिग्नेचर होंगे। तो फिर परसों तक वेट करो अगर स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है, या फिर 20 के बाद 28 तक आएगी, फिर 28 से 10 जनवरी तक आएगी, उसके बाद फिर मार्च में आएगी। मतलब चांसेस हैं, इस बार चुनाव है बच्चा, बता रहा हूँ, सभी की स्कॉलरशिप आएगी। दबा के फॉर्म भर दो अगर नहीं भरे हो तो, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी स्कॉलरशिप आ गई, आपका स्टेटस, मतलब आपने कोई फॉर्म में गड़बड़ी तो नहीं किया है, सारी चीज़ें आप मेरे से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मैं ज़रूर से बताऊँ। तो गुड न्यूज़ है और ऑफिशियल जो अपडेट है वो आ चुकी है गाइस, डेट बढ़ने के रिगार्डिंग। चलिए आगे की इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी जॉब फाइंड पे भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि सर्कुलर जस्ट जारी हुआ है, उसके आधे घंटे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो पाया इसी कारण, और 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ है, फटाफट से मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करो, इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज़ आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हालाँकि अभी यहाँ पे स्टेज 2 के लिए ही बताया जा रहा है, लेकिन स्टेज 3 यानी कि 3 प्रक्रिया में इस बार पहली बार स्कॉलरशिप के इतिहास में 3 बार मौका मिल रहा है छात्रों को फॉर्म भरने के लिए। मतलब आप क्या लोगे, किसी का क्या चाहिए तुमको, बताओ, 3 बार तुमको मौका मिल रहा है। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी कैसी कैसे भेजी जा रही, परसों तक भेजी जाएगी, उसके बाद 20 तारीख से, फिर 28 दिसंबर से, फिर क्या होगा 10 जनवरी के बाद से, फिर मार्च में भेजी जाएगी। मतलब यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी स्कॉलरशिप में फर्स्ट अमाउंट जो है वो कम आया, यानी कि अभी बस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, तो घबराइए नहीं, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी जल्दी से आ जाएगा और बहुत ही कम समय में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलेगा इस बाकी का यही एक अपडेट था, तो सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ, एक चीज़ को आप क्लियर हो जाइए, जानते रहिए 8400 400 400। जी हाँ गाइज, आपको ये नंबर याद कर लेने की ज़रूरत है। इधर आपका कोई भी डाउट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा फटाफट से, बस व्हाट्सएप की मदद से। आपको डाउट नट का ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना है, और जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, जी हाँ गाइज बता रहा हूँ, कमाल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन से बस फोटो क्लिक करना है, उन्हें क्रॉप करना है, उसके बाद फिर उन्हें तुरंत वीडियो सोल्यूशन आप पास जाएंगे। वो 6th to 12th क्लास का हो, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट का, CBSE बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का हो। तो गाइस यार किसी भी बोर्ड का हो, आपको ये नंबर 8400 400 याद कर लेना है, जो कि डाउट नेट का हेल्पर नंबर है, इसे फटाफट से जाओ डाउनलोड करो। भी अपडेट है, करीब 17,000 छात्राओं के खाते में गुरुवार को 6.5 करोड़ रुपए जो है वो भेजी गई थी, यानी कि ये कल की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। कल जो था वो 6.5 करोड़ का बजट पास किया गया था, स्कॉलरशिप भेजी गई थी। आज 247 करोड़ का स्कॉलरशिप भेजा गया, कल करीब 125 करोड़, परसों 70 करोड़ की स्कॉलरशिप जो है वो भेजी जाएगी। इस चीज़ को आप जान लीजिए क्लियरली, एक एग्जैक्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं बताएगा। स्टेटस जो है वो 10 तारीख के बाद होगा, उसके बाद आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। वीडियो अगर 1% काम की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रकाश। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।